नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। तो इस समय जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, ठंड के मौसम में जो कि साग वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो आज हम बनाने वाले हैं बथुआ का साग और बनाएंगे साथ में बाजरे की लिट्टी, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है और गांव की भी याद दिला देता है। तो हमारा देखिए, यहाँ पर जो गेहूँ बोया गया था ना, इसमें काफ़ी सारा बथुआ है, तो ताज़ा बथुआ का लेंगे, उसी का साग बनाएंगे। और आज जो कि बहुत ज़्यादा कोहरा भी था, और इस समय जो कि बज गए हैं 4, और 4 देखिए तब भी हल्का कोहरा दिख ही रहा है दूर तक, थोड़ा हल्का हल्का। तो चलते पहले खेत के अंदर चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि बथुआ कहाँ पर। देखिए ये रहा, तो ये देखिए ये रहा बथुआ, बथुआ पूरा उखाड़ लेंगे सही। ये रहा बथुआ और वहाँ रहा बथुआ, बहुत ज़्यादा बथुआ मतलब गेहूँ खेत में है, तो ताज़े बथुए को लेंगे। और बथुआ जानते हैं कितना गुणकारी होता है, काफ़ी फ़ायदा करता है। बथुए का साग जो है आँखों की रोशनी बढ़ाता है, पेट के लिए भी, बहुत चीज़ के लिए ही गुणकारी है। जितना बथुआ है हमारे गेहूँ खेत में सारा उखाड़ेंगे आज। गेहूँ के खेत के बीच में आ गए हैं और बथुआ देखिए काफ़ी सारा हमने ले लिया खेत से, और हाथों में भी देखिए काफ़ी सारा इनके है। तो ये देखिए इतना बथुआ, देखिए हमारे खेत के ताज़े बथुए देखिए ये रहे। तो बथुआ देखिए हमने काफ़ी सारा ले लिया है, और इसके देखिए कितने ताज़े पत्ते हैं। और अभी इसमें हम थोड़ा सा सरसों के ताज़े पत्ते भी डालेंगे इस साग में, बथुआ के साग में, तो काफ़ी टेस्टी बनता है। चलते हैं अभी वहाँ से सरसों के भी पत्ते लेते हैं ताज़े। तो देखिए नरम नरम डंठल सहित हम सरसों के थोड़ा सा पत्ते इसमें ले लेंगे। ठंड के मौसम जब साग बनता है ना एकदम गांव के देसी तरीके से ना, तो स्वाद बहुत अच्छा आता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। तो खेत से हमने बथुआ ले लिया, थोड़ा सरसों के पत्ते भी ले लिए हैं ताज़े डंठल सहित। थोड़ा सरसों के पत्ते थोड़ा सा और लेंगे, वहाँ आगे से लेंगे, उधर काफ़ी ज़्यादा घना भी है। तो चलते हैं खेत से बाहर निकलते हैं पहले। खेत के देखिए किनारे पर आ गए हैं, और ये रहा देखिए काफ़ी ज़्यादा सरसों है, घना है, इसको ही पत्ते ले लेते हैं डंठल से, नरम नरम डंठल लेंगे इसके, जो आसानी से गल भी जाए साग में। खेत से हमने देखिए ताज़ा बथुआ और हमने सरसों के ताज़े पत्ते ले आए हैं, इसको छाट लेते हैं, इसके जो बथुआ के नरम नरम जो डंठल है ना उसको रखेंगे, बाकी देखिए इतना मोटा डंठल जड़ वाला इसको हटा देते हैं। और इसी तरीके देखिए सरसों भी ताज़ा डंठल जो है पत्ते सहित रखेंगे। तो पहले देखिए सारे पत्तियों को छाट लेते हैं, इसका डंठल जो मोटा मोटा उसको हटा देंगे। तो बथुआ देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये। बाबू क्या देख रहे हो? मुझे नहीं खाना। साग नहीं खाओगे? क्यों? साग तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। अच्छा नहीं लगता। आपको नहीं अच्छा लगता साग? आज मैं बनाऊंगी देसी तरीके से। बथुआ और सरसों जो पत्ते थे ना हमने इसको छाट लिए, इसको देखिए साफ पानी से कई बार धो लेंगे, इसमें मिट्टी लगा होगा ना अच्छे से साफ हो जाएगा। देखिए एक बड़ा सा टब लिया, इसमें पानी भर दिया है, इसी में कई बार धोएंगे तो अच्छे से साफ हो जाएगा ये। ऐसे खेत का ताज़ा बथुआ तो ज़्यादा इसमें मिट्टी बालू उतना नहीं लगा, नहीं तो मार्केट के बथुए में काफ़ी ज़्यादा रेत लगे होते हैं, तो उनको कई बार धुलने पड़ते हैं। इधर हमने बथुआ और सरसों के देखिए पत्तों को हमने 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है, और इसको देखिए हम बारीक काटेंगे। और चूल्हे में ईंधन को जला दे रख दिया कढ़ाई, साग को हम बारीक काट लेते हैं इस तरीके से, हम बारीक बारीक काटेंगे। पत्तों से तो अच्छा बनता है, हमसे चाकू से भी काट सकते हैं बारीक बारीक। तो देखिए इस तरीके से इसको हम काटेंगे, तो बारीक बारीक देखिए पत्तों से हमने काफ़ी सारा से बथुआ पत्ते और सरसों के पत्ते जो कि काट दिए हैं, इसको कढ़ाई में डाल लेते हैं, थोड़ा उबालेंगे पहले, तब उसका इसमें तड़का लगाएंगे तो साग बहुत टेस्टी बनेगा। तो कढ़ाई भी हमारा गर्म हो गया, बिना तेल डाले इसी तरीके से पहले हम साग को डाल देंगे, थोड़ा चला देते हैं पलटे से, और हमारा साग जो देखिए गलता रहेगा, और काट काट के इसमें डालते रहेंगे, और आग भी लग रहा है चूल्हे में। साग जो हमने डाला था ना देखिए गलने लगा है, और इसी तरीके से देखिए सारे साग को हम डाल देंगे इसी में, जितना हमने काटा है बथुआ और सरसों के पत्ते जो है। थोड़ा इसमें भी हम नमक डालेंगे, नमक डालने से क्या होगा थोड़ा सा साग पानी छोड़ेगा, और थोड़ा सा ये अच्छे से पक भी जाएगा। इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं, और बाकी हम जब तड़का लगाएंगे तब थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसको चलाकर ढककर हम पकाएंगे, अच्छे से गला लेंगे जो है बथुआ और सरसों के पत्तों को अच्छे से। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज होने लगा है धीरे धीरे, तो इसको ढक देते हैं। इधर हमने तड़का लगाने के लिए देखिए एक गाँट लहसुन लिया है और 4 हरी मिर्च लिया है, इसको हम छीलकर और काट लेते हैं। थाली हटाते हैं और देखते हैं कि हमारा साग कितना गला है। तो देखिए साग जो कि अच्छे से सूख गया है, और काफ़ी अच्छे से देखिए साग पक गया है, तो थाली में निकालेंगे, इसमें तड़का लगाएंगे।
एकदम गांव के देसी तरीके से, तभी जो कि साग अच्छा लगेगा। इसी कढ़ाई में डाल लेते हैं सरसों का तेल। तो साग जब भी बनाए तो सरसों का तेल में ही बनाए, क्योंकि सरसों के तेल में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है साग का। तो ये हमारे घर का सरसों का तेल है। ये देखिए हमने 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया है। सरसों का तेल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया, इसमें डालते हैं लहसुन और हरी मिर्च कटा हुआ। लहसुन और हरी मिर्च को लाल कर लेंगे, तभी साग में अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन और हरी मिर्च लाल हो गए तब इसमें डालेंगे साग पका हुआ। साग डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे, चलाकर बढ़िया तरीके से भून लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसको सुखा लेंगे। और नमक टेस्ट करके थोड़ा इसमें हम नमक भी डालेंगे अभी। साग को यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए हमने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हल्का सा नमक। नमक हमने टेस्ट किया नमक था हल्का ही है, तो नमक और डाल देते हैं। तो नमक देखिए डाल दिया है। अब नमक डालने के बाद थोड़ा साग को हम खुले में इसी तरीके से पका लेते हैं। चलते हैं बाजरे की लिट्टी लगाते हैं। तो आटा ले आते हैं बाजरे का। साग हमारा पथुआ का देखिए हो गया है, इसको हम उतारेंगे, रखेंगे तावा। यहाँ पर देखिए हमने बाजरे का आटा लिया, इसी का लिट्टी लगाएंगे। और आप पीछे देखिए हमारे कोहरा घिर रहा है फिर। और शाम के जो कि 5 बज चुके हैं, और आज दिन भर कोहरा था, बस 1 या 2 बजे हल्की हल्की धूप दिखाई दी, उसका पूरा दिन भर कोहरा ही है। और ये साग को उतार ले रहे हैं, साग हो गया है। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म साग और लिट्टी खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। बाजरे का देखिए तावा रख देते हैं, तावा हमारा गर्म होता रहे। ये देखिए बाजरे का आटा है, इसमें पानी डालकर आटे को हम गूंथ ले रहे हैं। पहले बाजरे का आटा देखिए हमने गूंथ लिया है, अब बनाएंगे लिट्टी। तो पहले देखिए थोड़ा सा इतना बड़ा देखिए हम लोई लेते हैं, लिट्टी लगाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही लोई लेते हैं। बाबू के लिए भी छोटा सा लिट्टी लगाना है ना, अभी लगाती हूँ। तो देखिए इसको इस तरीके से हाथों से गोल गोल कर लेंगे पहले, उसके बाद देखिए चौके पर रखेंगे और इस तरीके से दबाते जाएंगे। थोड़ा सूखा पथ हम चौके पर छिड़क लेते हैं, और इसको देखिए इस तरीके से हाथों से दबाते हुए इसको हम लिट्टी बनाएंगे। और हल्का हल्का दबाते हुए इसको घुमाते हुए इस तरीके से लिट्टी बनाएंगे हम। इस तरीके से अगर आप लिट्टी नहीं बना पा रहे हैं तो देखिए हाथों में इस तरीके से चिपटा करते हुए लिट्टी बनाइए। तो हमने लिट्टी बना लिया, इसको तवे पर डालेंगे अब। और इसी तरीके से जब हम छोटा सा लिट्टी बनाएंगे बच्चे के लिए, तो लोई थोड़ा कम ही लेंगे। और इसको देखिए गोल गोल घुमाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे, चिपटा कर देते हैं इसको। और चौके में देखिए इसी तरीके से हम इसको प्रेस करते हुए हाथों से दबाते हुए हल्का हल्का लिट्टी बना लेंगे। ये वाला तरीका जो कि मुझे आसान लगता है, लिट्टी को हाथों में इस तरीके से उठाते हुए थोड़ा जहाँ पे मोटा है थोड़ा दबा देंगे और थोड़ा पतला कर लेंगे। तो लिट्टी को देखिए लाल होने लगा था, तो हमने पलट दिया है पीछे थोड़ा सा लाल करके, तब उसके बाद आग में सिझाएंगे इसको। लिट्टी देखिए थोड़ा सा हमने इसको तवे पे आगे पीछे थोड़ा सा पका लिया। देखिए आग पे इसको हम धीमी आँच पे देखिए पकाएंगे लिट्टी को जो है, और तवे पे रखेंगे बाबू वाला लिट्टी छोटा सा जो हमने बनाया है। देखिए हमने इसको और छोटा बना दिया है, क्योंकि बाबू का था बहुत ज़्यादा बड़ा है मेरे लिए, तो इसको तवे पे डाल लेते हैं। तो आप पीछे देखिए लिट्टी को हमने अच्छे तरीके से आग में पका लिया, अब आगे पलट के पकाएंगे इसी तरीके से। दोनों तरफ से लिट्टी को सिझाना होता है अच्छे से। बाजरे का देखिए लिट्टी हमने आग में देखिए अच्छे तरीके से एकदम सिझा दिया है, और ये देखिए इसी तरीके से। और इसको देखिए आग में भी हम सिझा रहे हैं, और पीछे हमने लिट्टी को पका लिया, अब आगे पकाते हैं आग पर इसी तरीके से। और लिट्टी ना खाने में बहुत लगता है साग के साथ, बथुआ के साग के साथ। तो अभी जो लिट्टी रह गया उसको भी पका लेते हैं। तो बथुआ का देखिए हमारा साग जो कि कितना स्वादिष्ट बना, इसको थाली में निकालते हैं खाने के लिए। और ये देखिए हमारा बाजरे का लिट्टी देखिए कितना बढ़िया, देखिए आग पर फुल फुल के हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ। थोड़ा सा इसको झाड़ देते हैं और चलेंगे इसको खाएँगे। देखिए बथुआ के साग के साथ बाजरे की लिट्टी बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। और दोस्तों अगर इस तरीके से ना ठंड के मौसम बनाएंगे बथुआ और सरसों डाल के साग ना, तो बहुत टेस्टी बनता है। और साथ में बाजरे की लिट्टी जरूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। किसी भी साग के साथ बाजरे की लिट्टी खाइए ना, तो बहुत स्वादिष्ट आता है खाने में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नया वीडियो साथ मिलते हैं, धन्यवाद।